अभी हमारे साथ एक महिला है, मुस्लिम महिला है, जो काले पोशाक में है, लेकिन ये योगी जी से मिलने के लिए काफी दूर से आई है, उनका भाषण सुनने के लिए आई है, लेकिन जैसे ही ये एंट्री गेट पर जाती हैं, वैसे ही इनको मना कर दिया जाता है। क्या बोले आपसे? ये बोले कि अपना काला उतार दीदी आए गए। हम बोले हम अपना दीन धर्म काला निकाब उतार के नहीं जाएंगे, चाहे जाने दीजिए चाहे नहीं, हम चले जा रहे हैं। इसलिए हम जा रहे थे मिलने के लिए, हमारे पति चार चार शादी कर लिए थे, हमारे कोर्ट में कहीं सुनवाई नहीं होती, थाने में जाओ तब भी नहीं सुनवाई होती, इसीलिए यहाँ पर आए थे। बोल रहे हैं निकाब उतार के जाओ, हम निकाब उतार के नहीं जाएंगे, वापिस चले जा रहे हैं। आपके पति चार चार शादी कर लिए हैं, आप योगी जी के साथ फरियाद लगाने आई थी, पति चार शादी कर लिए हैं, उनसे आप मिलने के लिए आई थी, लेकिन काला कपड़ा होने की वजह से नहीं जाने दिया जा रहा। जी हाँ, काला कपड़ा की वजह से नहीं जाने दे रहे हैं, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? चलिए यहीं से कह दीजिए, योगी जी से क्या फरियाद लगा कर आई थी उनसे? यही कि हम जहाँ जाते हैं हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती, चाहे कोर्ट पे जाओ चाहे थाने में जाओ, कहीं सुनवाई, इतना हम बड़बार आदमी है नहीं हमारे पास कि हम उनको पैसा दें थाने में तो हमारा सुनवाई हो। अच्छा, आप थाने जाती हैं लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं सुनवाई होती है। कौन सा थाना लगता है आपका? पट्टी थाना लगता है। पट्टी से इतनी दूर से आई है? हाँ अकेले? हाँ अकेले आए हैं हम। अकेले आती हैं साहब, केवल काले पोशाक की वजह से इनको लौटा दिया जाता है, इनकी फरियाद नहीं सुनी जाती है, और आपकी इच्छा है कि आप जाएं उनसे मिलें, कड़ाके की धूप है। हाँ जी हाँ, आप योगी जी से मिलना चाहती हैं और अपनी बात रखना चाहती हैं? हाँ जी रखना चाहते हैं। क्या कार्रवाई चाहती हैं अगर आपके पति के खिलाफ, क्या कार्रवाई चाहती हैं कि आखिरकार? हमारे पास एक लड़की है, क्या कहते हैं, हमको वहाँ पर हमारा हिस्सा हक मिले, हमारी लड़की के लड़की हमारी तैयार हो गई, उनके शादी के पूरा पैसा खर्चा सब दे। कितने साल की लड़की आपकी? लड़की हमारी देखा तो 16 साल की है। अच्छा, आपकी लड़की 16 साल की है और पति ने चार शादी कर लिया है, हिस्सा बारी कुछ नहीं मिला है? नहीं कुछ नहीं मिला, एक कमरा सिर से दे दिए, नहाने धोने खर्चा कोई नहीं है उसमें। हाँ कैसे खर्चा वगैरह चलता है? कुछ हमारे मायके वाले थोड़ा बहुत जो देते हैं, और हम अपना मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करना पड़ता है जी घर चलाने के लिए? जी क्यों, अगर काला कपड़ा उतार के नहीं जाना चाहती हैं? नहीं हम काला कपड़ा उतार के नहीं जाएंगे भाई। नहीं कोई दूसरा कपड़ा मुंह में बांध लीजिए, इतनी दूर आप पट्टी से आई हुई हैं। नहीं हम वापस चले जा रहे हैं, हम कपड़ा अपना निकाब उतार के नहीं जाएंगे। अच्छा। ये थोड़ी कोई नियम है कि आओ तो कपड़ा उतार के जाओ। लोग बता रहे हैं कि विरोध हो सकता है, कोई काला कपड़ा उनको दिखा सकता भाई है। इतना है, लेडीज पुलिस है, सब जांच कर सकते हैं, पर्स भी जांच करते हैं, हमको भी जांच करके तब जाने दीजिए। लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा। नहीं जाने। कितनी बार कहा आपने पुलिस अधिकारियों से? दो तीन बार कहा, बोली लेडीज नहीं आप कपड़ा उतार दे जाइए, हम कहे ठीक है हम चले जा रहे हैं। तो आप पट्टी अब 30-40 किलोमीटर से चली जाएंगी बिना अपनी बात रखे? तो क्या हुआ, चले जाएंगे। पट्टी वगैरह थाने में दर दर भटक रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं? नहीं नहीं कोई नहीं होता है। पति कहाँ रहते हैं आपके? दिल्ली में है, नबी करीम चांदनी चौक पुरानी नई दिल्ली। आपका क्या नाम है? कमरुन्निसा। कमरुन्निसा, आप योगी जी के पास आती हैं केवल काले कपड़े की वजह से नहीं जा पाती हैं? जी बार बार निवेदन करती हैं लेकिन सिर्फ काला कपड़ा, हमारा कहना मानिए, जब इतनी दूर आप आई हैं तो काला कपड़ा आप उतार के योगी जी के साथ, योगी जी या किसी अधिकारी के पास आप कोई पत्र वगैरह ले लिखी हैं कि नहीं? हाँ है, मगर हम कोई कागज लाए नहीं है भैया। अच्छा, लेटर कोई नहीं लिख के लाई है? नहीं, असल में क्या, हम अपने लड़की के दवा आए थे, जब हमने सुना यहीं पर ऐसे, हमने उतर के अपने लड़की को भेज दिया। अच्छा, लड़की को अपने अकेले घर भेज देती हैं आप? हाँ। और न्याय मांगने के लिए योगी जी के दरबार रैली में आ जाती हैं? हाँ ठीक है। क्या लगता है कि अगर योगी जी तक आपकी बात जाए तो क्या लगता है आपको न्याय मिल सकता है कि नहीं? हो सकता है कि मिल जाए। हाँ हाँ, आस लगा कर आई हैं कि योगी जी तक अगर हमारी बात जाए तो न्याय मिल सकता है? हाँ आस लगा कर आए हैं। ये हमारे साथ कमरुन्निसा जी थी, जो कि आज योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आगमन हो रहा था, ये आस लगा कर आई थी, इनकी एक 16 साल की लड़की है और इनके पति इनको छोड़ करके चार चार शादियां, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार शादियां कर लिए हुए हैं, वही साहब तलाक, वही योगी जी से शायद न्याय की आस लगाने के लिए यहां पर आई थी कि शायद कुछ हमारा भला हो जाए, लेकिन काले पोशाक में होने की वजह से प्रशासनिक अधिकारी जो थे उन्होंने रोक दिया। तो चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी, जय हिंद जय भारत।